जय भीम साथियों, नीला सलाम। मैं पीके सागर, पूर्वांचल प्रभारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन से, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं और मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन को कि जो भाई के बनारस में चुनाव लेके भाई को आना और इतना बड़ा दल बल के साथ अपना प्रदर्शन देना और आप लोगों का सहयोग से और फिर भाई का पूर्वांचल में सोनभद्र में दौड़ा, जिसकी वजह से भीम आर्मी का पूर्वांचल में बढ़ती हुई ताकत को देख के योगी सरकार शासन प्रशासन घबराए हुए हैं और आए दिन दलितों पर अत्याचार और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान करना, थाने में ले जाकर मुकदमे दर्ज करना। ऐसे ही घटना परसों बीते रात हमारे दो कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने उठा के और थाने ले गए, जिसको बेवजह मुकदमे में फंसाया जा रहा था, जिसको देख के हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय विनय सागर जी वाराणसी मंडल अध्यक्ष, जो थाने पहुंचते हैं और थाने के द्वारा प्रशासन का रवैया देख के, जो वीडियो वायरल हुआ है, प्रशासन ने हाथापाई किया, जिसकी वजह से मनसा क्लियर हो जा रही है कि शासन योगी सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। और आज बेवजह अभी तक विनय सागर जी को गुमनाम जगह पे प्रशासन ने छिपाया हुआ है, जिसकी कोई जानकारी नहीं दे रहा है और तरह तरह का हिल्ला हवाली कर रहा है, बात कर रहा है। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ और गाजीपुर प्रशासन और योगी शासन और प्रशासन कि अगर जल्द से जल्द मंडल अध्यक्ष विनय सागर जी को रिहा नहीं किया जा रहा है तो हम लोग बहुत बड़े स्तर पर पूरे पूर्वांचल को आंदोलन में तब्दील कर देंगे। फिर शासन प्रशासन, इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होंगे, क्योंकि जिस तरह से विनय सागर जी के साथ हाथापाई प्रशासन ने किया है, उसका फुटेज है, वो भी मैं वायरल कर रहा हूँ। आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें। दुर्लभपुर थाना अध्यक्ष का जो रवैया है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है और वहाँ के जो भी पुलिस अधीक्षक जी हैं उनके आश्वासन पर भीम आर्मी अभी तक लीगल कार्रवाई के लिए तैयार है, कर रही है। जल्द से जल्द भीम आर्मी मंडल अध्यक्ष विनय सागर जी को रिहा किया जाए। जय भीम, नीला सलाम। और सारे कार्यकर्ता, सारे साथी तैयार रहें।